नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज हम चर्चा करेंगे निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में आने वाले समय में किस तरह से मूवमेंट हो सकती है, कौन से सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन से रेजिस्टेंस लेवल काम कर सकता है, कौन सी ट्रेंड लाइन के आसपास इस टाइम निफ्टी काम कर रही है, कहाँ पे हमें बाइंग एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे सेल एंट्री लेनी चाहिए, वो सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। और निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, जो 50 स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, उन सब की हम आज एनालिसिस करेंगे विद लॉजिक। वहां मैं आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ बताऊंगा कि वहां पे कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, या फिर कहां पर कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट हुआ है, किस स्टॉक में हमको पोजिशनल स्टॉक पोजिशन लेनी चाहिए, या किस में हम इंट्राडे अपनी पोजिशन बना सकते हैं। तो कंटिन्यू बने रहिए अगर वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले जो भी हमारे दोस्त नए पहली बार चैनल को देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं निफ्टी। तो चलिए निफ्टी में यहां पर आप जैसा देख रहे हैं कि ये जो यहां पर जो कैंडल की आप यहां पर गिरावट देख रहे हैं, देखिए आपको बड़ी कैंडल दिखाई दे रही होगी, तो बड़ी कैंडल ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं 21 दिसंबर की, 21 दिसंबर में देखिए जो यहां पर गिरावट हुई थी वो पीछे 10 दिनों के मूव को खा गई थी। मींस मतलब ये पीछे 10 दिन की मूव इसके अंदर समा गई थी। फाइनली देखिए ये गिरावट कहां तक हुई थी, जो इसका पिछला जो है रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस था वही देखिए आके सपोर्ट का काम किया। सपोर्ट का काम करने के बाद यहां पर देखिए एक हैमर कैंडल इस सपोर्ट पर बनी थी और उसके बाद कंटिन्यू अब जो है ऊपर की तरफ है। तो अब यहां पर देखिए हमको यहां पर एक क्लियर कट यहां पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, मींस जो पिछला हाई लगा हुआ था। तो यहां पर देखिए जो वीरवार की जो एक्सपायरी डे की जो कैंडल की क्लोजिंग आई है वो देखिए इसी हाई के आसपास में आई हुई है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर की क्लोजिंग, मीन्स हमको यहां पर 13,800 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए, या फिर हमको देखिए यहां पर देखिए हम पहले हाई को यहां पर देखेंगे, जो पिछला हाई लगा हुआ है वो हाई लगा हुआ है 13,773 का। तो हमको यहां पर कम से कम 13,780 के ऊपर एक बार कैंडल यहां पर क्लोज हो जाए। इंट्राडे में अगर वो 15 मिनट की कैंडल है तो बेस्ट है, अगर 15 मिनट के कैंडल यहां पर 13,880 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो वहां पर हम जो है बाइंग का सिनेरियो बना सकते हैं। अदरवाइज देखिए यहां पर क्या हो सकता है, यहां से देखिए एक बार रिवर्स कर सकता है। यहां पर देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर एक फर्स्ट टॉप लगा हुआ है, या जो है सेकंड टॉप यहां पर मतलब मे बी ये रिएक्ट कर सकता है सेकंड टॉप की तरह। तो यहां पर देखिए क्या पता यहां पर जो है मंडे के सेशन में यहां पर एक डोजी कैंडल बन जाए, उसके बाद शायद कोई हमको बियरिश कैंडल मिले, उसके बाद हम नीचे की तरफ आए, या फिर यहां से अगर सीधा ब्रेकआउट हो गया, अगर 13,880 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो गई तो हम वहां पर बाइंग के लिए जाएंगे। तो हम चलेंगे यहां पर 30 मिनट के चार्ट में और देखेंगे कि हम यहां पर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब मैंने फाइनली मैंने 30 मिनट का चार्ट लगा लिया है और 30 मिनट के चार्ट में हम यहां पर देखेंगे कि हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए अब यहां पर जो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन हमको यहां पर मिल रही है, सो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हम जब तक है यहां पर है तब तक हम बुलिश हैं, ठीक है। और मेरे को मे भी यहां पर लगता है कि मंडे के सेशन में यहां पर ब्रेकआउट होना चाहिए, बिकॉज यहां पर जो मूव दिख रही है निफ्टी की वो मूव मेरे को स्ट्रांग दिख रही है। निफ्टी मेरे को बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि ये मूव हमको यहां पर दिखा रही है कि निफ्टी में जो है ज्यादा स्ट्रेंथ है। सो यहां पर देखिए जब तक हम ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम बुलिश है। और दूसरा अगर हम यहां पर अपने सपोर्ट की बात करें तो मैं आपको सपोर्ट इस तरह से ड्रॉ करके दिखाऊंगा। देखिए मैंने यहां से सपोर्ट लिया है जहां से लास्ट टाइम देखिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, ठीक है। तो उसके बाद फाइनली देखिए अब इस सपोर्ट के आसपास जो है निफ्टी ने बाउंस बैक किया। अब देखिए यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर कल को अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, देखिए सारे सिनेरियो समझ लीजिएगा, यहां पर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम देखिए हमारा टारगेट ये सपोर्ट होगा 13,650 के आसपास। तो 13,650 के आसपास यहां पर जो है निफ्टी आ सकती है, और मे भी 13,650 एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, 13,650 से यहां बाउंस बैक हो सकता है, बिकॉज यहां पर पिछला जो स्विंग लो हम देख रहे हैं वो 13,640 और 50 के आसपास है। सो यहां पर अगर बैंक निफ्टी आप सॉरी निफ्टी मिलती है तो आप यहां पर क्लियर कट जो है बाइंग कर सकते हैं। सो अब देखिए अब यहां पर क्या हो सकता है, दूसरा अगर यहां पर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर कोई बड़ी कैंडल बनती है वहां पर, या फिर देखिए 5 मिनट की कोई पूरी कैंडल ऐसी बनती है जिसकी कोई ऊपर भी किना हो नीचे भी किना हो, तो उसके ऊपर हम क्लियर कट बाइंग के लिए जा सकते हैं गैप अप ओपनिंग में। और यहां पर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहां पर इस लेवल पर हम 13,650 के लेवल पर हम क्लियर कट हम यहां पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। तो हम निफ्टी को जो है इस तरह से ट्रेड करने वाले, ध्यान रखिएगा मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद जो है हम सेलिंग के लिए जाएंगे, ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है 13,650 के आसपास। और इसके पास अगर इसके पास जो है वो ट्रेड हम बुक करने के बाद यहां से हम बाइंग का ट्रेड हम एक्टिव करेंगे, और बाइंग का ट्रेड एक्टिव करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस है 13,780 के आसपास हम यहां पर ये टारगेट बुक करेंगे। मींस हम यहां पर अगर हमको यहां पर निफ्टी मिलती है 13,650 के आसपास तो हमारा पहला प्रॉफिट होना चाहिए 50 पॉइंट और दूसरा प्रॉफिट होना चाहिए 80 पॉइंट, इस तरह से हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो फाइनली देखिए मैं यहां पर आप लोगों के लिए मैं निफ्टी का यहां पर
लगा लेता हूं इंडेक्स यहां पर, और इसमें जो भी स्टॉक्स हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला स्टॉक्स है हमारा अडानी पोर्ट। तो अडानी पोर्ट देखिए अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, 480 इसका एक हर्डल है। और फाइनली देखिए इसने एक्सपायरी वाले दिन जो है यहां पर अपना हाई क्रॉस करने की कोशिश की थी, बट यहां पर जो है नीचे की तरफ सेलर, यहां पर ऊपर तरफ सेलर एक्टिव हुए और नीचे की तरफ इस मार्केट को ले आए। तो यहां पर फाइनली मंडे के सेशन में आप जो है इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 483 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स देखिए यहां पर कंटिन्यू, मैंने आपको ये जो लेवल दिया था 2500 के ऊपर, देखिए 2500 के ऊपर जैसे ही निकला उसके बाद देखिए आपको जो यहां पर हाई देखने को मिला है वो हाई देखने को मिला है 2650 के ऊपर का। तो 150 पॉइंट्स के आसपास यहां पर हम अभी बुलिश है। तो यहां पर देखिए अभी 2660 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में आप जो है 2700 के टारगेट के लिए यहां पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस मैंने बैंकिंग की वीडियो, मैंने एक बैंक निफ्टी की वीडियो मैंने बना दी है, उसमें सब एनालिसिस कर दी है, सो वहां पर आप जो है बैंकिंग की वीडियो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बजाज ऑटो। तो फाइनली देखिए बजाज ऑटो ने यहां पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बट यहां पर वॉल्यूम इसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखिए यहां पर हमको जो ऊपर अभी तक जो हाईएस्ट क्लोजिंग थी वो 3350 के आसपास थी, बट यहां पर जो हमको क्लोजिंग मिली वो 3374 के आसपास मिली है। सो यहां पर ये पोजिशनल स्टॉक पोजिशनल के लिए भी बहुत अच्छा दिख रहा है, और इंट्राडे में भी आप 3375 रुपए के ऊपर यहां पर बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस देखिए फाइनली ब्रेकआउट करने के बाद जो रेजिस्टेंस था उसको आके इसने टेस्ट किया है, वो सपोर्ट लेवल बना और फाइनली सपोर्ट लेकर ये ऊपर की तरफ निकल गया है। अब इंट्राडे में आप जो है 5240 रुपए के ऊपर यहां पर ट्रेड बना सकते हैं, यहां पर 5300 रुपए आपका जो है टारगेट रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहां पर बजाज फिंसर्व। बजाज फिंसर्व को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बजाज फाइनेंस की तरह ही ट्रेड करता है, बट यहां पर जो है बजाज फाइनेंस की तरफ ट्रेड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम यहां पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। देखिए इसके लिए जो है 9200 रुपीज एक हर्डल है, जब तक ये 9200 रुपीज नहीं निकालता तब तक अभी हम ऊपर की तरफ नहीं जाने वाले हैं। अगर मंडे के सेशन में 9200 के ऊपर निकाल देता है तो हम यहां पर जो है बाइंग के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीपीसीएल। तो बीपीसीएल में देखिए यहां पर फाइनली देखिए सपोर्ट लिया, जो रेजिस्टेंस लेवल था वो सपोर्ट आकर बना और सपोर्ट से फाइनली अभी ऊपर की तरफ है। तो अभी यहां पर इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है, इसको रहने दीजिए। अभी यहां पर बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं निफ्टी 50 में ट्रेड करने के लिए, जिसमें कंफर्म है उसमें ट्रेड करिए, जिसमें आपको बिल्कुल भी डाउट लगता है उसको छोड़ दीजिए। एयरटेल देखिए फाइनली देखिए 500 का लेवल ब्रेक करने के बाद जो है कंटिन्यू ऊपर की तरफ है। अब यहां पर देखिए इसने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया हुआ है। अब देखिए मे भी यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर कोई डोजी कैंडल बनाने के बाद इस ट्रेंड लाइन को आकर टेस्ट कर सकता है, और इस टेस्ट करने के बाद फिर ये ब्रेकआउट कर सकता है। और अगर ये आपको 520 के ऊपर मिलता है, अगर मंडे के सेशन में मान लीजिए कोई गैप अप ओपनिंग हो जाती है 520 के ऊपर मिलता है, तो आप वहां पर क्लियर कट बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिप्ला। तो सिप्ला में देखिए बिल्कुल जबरदस्त यहां पर ब्रेकआउट हुआ है। देखिए यहां पर जो ब्रेकआउट है वेडनेस डे के सेशन में ही हो गया था, बट यहां पर वॉल्यूम नहीं सपोर्ट कर रहा है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा हमको यहां पर डाउट है। सो यहां पर एक बार इसको 835 का लेवल निकालने दीजिए, उसके बाद हम यहां पर बाइंग के लिए देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डीवी स्लैब। तो डीवी स्लैब भी यहां पर देखिए कंटिन्यू एक ये रेंज बनाकर ट्रेड कर रहा था, यहां पर फाइनली इसने रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की थी। जो ये लेवल था देखिए 3780 का लेवल था, 3780 के आसपास इसने रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की थी और फाइनली यहां पर ब्रेक नहीं कर पाया। अभी देखिए जब तक ये अपना हाई नहीं निकालता है तब तक हम यहां पर जो है बाइंग के लिए नहीं जा सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी की बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर रेड्डी देखिए ये कंटिन्यू जो है ये जो लेवल आप यहां पर देख रहे हैं 5300 का, तो 5300 का लेवल इसके लिए एक जबरदस्त हर्डल बना हुआ है। और मे भी अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो ग्रीन कैंडल यहां पर आपको दिखाई दे रही है, यहां पर एक वॉल्यूम काफी अच्छा खासा लगा हुआ है, तो शायद अब ये यहां पर ब्रेकआउट कर सकता है। अगर ये 5300 रुपीज के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में इसको एक बार क्लोजिंग होने का वेट करिए, उसके बाद आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज 5300 की क्लोजिंग के ऊपर आप यहां पर पोजीशन के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइशर मोटर। तो आइशर मोटर यहां से जो मैंने ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, तो अगर इसको हम लॉन्ग की तरफ जाना चाहते हैं तो यहां पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होने का हमको वेट करना है, और प्लस यहां पर हमको 2500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। 2500 के ऊपर की क्लोजिंग इसको जो है 2700 तक लेकर जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एचसीएल टेक के बारे में। तो एचसीएल टेक यहां पर देखिए एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल के साथ, ये जो कैंडल ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं इस कैंडल के साथ यहां पर ब्रेकआउट मिला है, और ब्रेकआउट के बाद फाइनली देखिए यहां पर रिटेस्ट होने के लिए नीचे की तरफ आकर हैमर कैंडल यहां पर बना रहा है। और फाइनली अगर यहां पर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो 930 रुपए के ऊपर यहां पर पोजीशन एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो बैंकिंग की वीडियो बनाई हुई आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। अगला है हमारा एचडीएफसी। तो एचडीएफसी के लिए अभी ट्रेंड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जब तक ये ट्रेंड लाइन को क्लोज करके ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करता तब तक हम यहां पर जो अभी ऊपर की तरफ जाने वाले नहीं है। फाइनली अगर इस कैंडल को देखेंगे जो एक्सपायरी डे की कैंडल है, इसने ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश की है, बट ऊपर से जो सेलिंग का प्रेशर आया है वो ऊपर की भी कुछ ज्यादा लंबी बन गई है। सो यहां पर अभी हमको इसके ऊपर
एचडीएफसी लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, सॉरी 660 रुपए के ऊपर अब हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा हीरो मोटोकॉप, तो हीरो मोटोकॉप में अभी मेरा कोई व्यू नहीं है, उसको भी रहने दीजिए। नेक्स्ट है हमारा हिंडाल्को, तो हिंडाल्को में भी कोई मेरा व्यू नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो इसलिए देखिए एक्सपायरी डे के दिन एक बहुत जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पर देखने को हमको मिली है। और देखिए इस फाइनली इसने नीचे आने की कोशिश करी थी, ये 2350 के लेवल तक आया था, 2360 के लेवल तक आया था, बट यहाँ पर एक बार फिर बाइंग एक्टिव होगी और यहाँ से बायर फिर जो है ऊपर की तरफ खींच कर ले गए। सो यहाँ पर अब ये देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और यहाँ पर एंट्री हम यहाँ पर ले सकते हैं। 2400 के ऊपर की क्लोजिंग भी आ चुकी है, सो यहाँ पर कंफर्मेशन काफी अच्छी मिली हुई है। 2405 रुपए के ऊपर अगर निकलता है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को बाइंग करने के लिए सबसे अच्छा मौका है। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी, तो एचडीएफसी को हम यहाँ पर अभी वेट करेंगे। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है, फाइनली देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो, और इस बार हायर लो बनाने के बाद फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन से इसने बाउंस बैक किया है। 2460 रुपए के ऊपर यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक, तो फाइनली देखिए इसने आईसीआईसीआई बैंक ने आपको बताया था मैंने कि जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम यहाँ पर बुलिश हैं और इसके ऊपर से यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। फाइनली बाउंस बैक हो चुका है और इसके बारे में डिटेल से मैंने बैंकिंग की वीडियो बनाई हुई है, वहां पर जाकर आप दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा इंफोसिस, तो इंफोसिस यहां पर देखिए इंफोसिस मैंने आपको जो है टॉप 10 ब्रेकआउट स्टॉक्स में भी दिया था कि यहां से जो है ब्रेकआउट हो सकता है, 1200 के ऊपर हम यहां पर जो है बाइंग के लिए जाने वाले हैं। तो फाइनली यहां पर देखिए जो हाई लगा है 1260 का लग चुका है, जिसने भी 1200 के ऊपर एंट्री ली होगी वो 50 से 60 पॉइंट प्रॉफिट में होगा। अब यहां पर देखिए यहां पर अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो फ्रेश एंट्री अभी यहां पर मत लीजिए, मे बी देखिए एक बार रीटेस्ट होकर इसको नीचे की तरफ आने दीजिए, 1180 या 1200 के लेवल के आसपास रीटेस्ट होकर आने दीजिए, फिर यहां पर पोजिशनल एंट्री आप ले सकते हैं। अगर देखिए आपको दोबारा इस यहां पर देखिए नीचे की तरफ रीटेस्ट होता है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो यहां पर आप जो है एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि यहां से बाउंस बैक होने के पूरे पूरे चांस है। इंट्राडे के लिए आप इसको जो है 1255 रुपए के ऊपर जो है बाइंग कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील जबरदस्त स्टॉक, जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए काफी दिनों से देखिए अप ट्रेंड में बना हुआ है और फाइनली यहां पर अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप थर्ड टॉप और थर्ड टॉप पैटर्न यहां पर जो बनाया हुआ है इसने एक देखिए क्लियर कट ऊपर से एक जबरदस्त जो है सेलिंग का प्रेशर यहां पर आया हुआ है। सो यहां पर अगर बाइंग के लिए आप देख रहे हैं तो बाइंग के लिए सिर्फ 380 के ऊपर लेवल ध्यान से सुन लीजिए, 380 के ऊपर ही बाइंग करिएगा, अदरवाइज इसमें बाइंग करके ट्रैप मत हो जाइएगा। मे बी यहां से ये एक बार ये नीचे की तरफ का रुख कर सकता है और ये 350 का लेवल टेस्ट कर सकता है, क्योंकि यहां पर जो कैंडल बनी हुई है ये बेरिश कैंडल बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलटी के बारे में, तो एलटी यहां पर देखिए यहां पर जो लेवल मैंने आपको दिया था बाइंग करने के लिए 1150 के ऊपर का लेवल मैंने बाइंग करने को दिया था और यहां पर फाइनली देखिए 1300 का टारगेट दिया था, तो 1150 के ऊपर देखिए 150 रुपए का पॉइंट हमको टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो इसने जो हाई लगाया देखिए 1338 का हाई लगाया है, तो अब यहां पर देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब इसके लिए जो हर्डल यहां पर है वो 1280 का है, 1280 रुपए के ऊपर एक बार क्लोज होता है फिर इसमें हम जो है पोजिशनल के लिए सोच सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट हम बात करेंगे नेस्ले के बारे में, तो नेस्ले देखिए नेस्ले भी कंटिन्यू एक देखिए एक अपर चैनल कंटिन्यू जो है असेंडिंग चैनल में यहां पर ट्रेड कर रहा है और ये जो ऊपर का हर्डल जो आप देख रहे हैं 18800 के आसपास, और 18800 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक इसमें जो है आप बाइंग के लिए बिल्कुल मत सोचिए। अदरवाइज देखिए यहां पर जो डोजी कैंडल बनी हुई है, देखिए डोजी कैंडल मोस्टली किस टाइम पर बनती है मैं आपको यहां पर लॉजिक समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप यहां पर एक कैंडल देखेंगे, ये जो कैंडल बनी हुई है जो फर्स्ट में यहां पर देख रहे हैं रेड कलर कैंडल, यहां पर शूटिंग स्टार जो बनी हुई है, शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद फिर नीचे की तरफ आया, उसके बाद अगेन यहां से ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक हुआ, बाउंस बैक होने के बाद अगेन यहां पर डोजी कैंडल बनी हुई है। सो यहां पर हमको एक यहां पर साइन मिल रहा है कि शायद ये ट्रेंड चेंज हो सकता है और ये ट्रेंड चेंज होकर नीचे की तरफ आ सकता है और हम जो है इसमें 17800 का लेवल देख सकते हैं, तो 1000 पॉइंट का डाउनफॉल शायद यहां पर देखने को मिल सकता है अगर ये एक्टिव हो गया तो, अगर ये डबल टॉप पैटर्न एक्टिव हो गया तो हम यहां पर 1000 पॉइंट का डाउनफॉल देख सकते हैं, अदरवाइज 1800 क्लोजिंग के ऊपर ही हम जो है बाइंग साइड को जाने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलायंस, तो रिलायंस के देखिए ये जो मैंने रेड कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं यहां पर आपको कंटिन्यू यहां पर बता रहा था कि ये जो लेवल है सपोर्ट जो है 1830 का जो लेवल है इसके लिए यही सबसे परफेक्ट प्लेस है बाउंस बैक लेने के लिए, बिकॉज यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है और डबल बॉटम पैटर्न बनने का देखिए हैमर कैंडल बनी थी, हैमर कैंडल बनने का देखिए कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन को जो है फेस कर रहा है रेजिस्टेंस। अब जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम यहां पर जो है बाइंग के लिए ट्रैप नहीं होंगे। देखिए यहां पर सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होगी देखिए जहां पर आपको ये रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है 2090 का, 2090 के ऊपर निकल जाए उसके बाद ऊपर से एक ट्रेंड लाइन हमको फेस करने को मिलेगी। सो फाइनली सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको पोजिशनल के लिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग की है, मींस 2100 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग अगर आती है तो हम यहां पर जो है 2200 2300 और 2500 के टारगेट के लिए यहां पर पोजिशन यहां पर बनाएंगे। अदरवाइज यहां पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो यहां पर 2010 के ऊपर यहां पर बाइंग कर सकते हैं 2040 और 2070 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट है हमारा श्री सीमेंट, तो श्री सीमेंट में भी देखिए यहां पर देखेंगे तो ट्रायंगल
पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, और जो सपोर्ट इसका है वो देखिए 23,500 के आसपास का सपोर्ट है। और देखिए अगर यहाँ पर अगर बाइंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडर है, तो 24,250 के ऊपर यहाँ पर आप बाइंग बना सकते हैं। 24,500 यहाँ पर आपका जो है पहला टारगेट होगा, 24,800 जो है दूसरा टारगेट होगा। अदरवाइज अगर ये नीचे की तरफ क्लोज करता है, नीचे की तरफ ये सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है, तो मे बी हम यहाँ पर जो आ सकते हैं वो 25,500 के लेवल, 22,500 के लेवल के पास आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सन फार्मा। तो सन फार्मा देखिए जबरदस्त इसने जो है एक ब्रेकआउट यहां पर दिया हुआ है। वॉल्यूम यहां पर इस स्टॉक में भी देखिए वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो देखिए जब तक वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करेगा तब तक एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब सारे कंफर्मेशन हमको मिल रहे हो, कम से कम 4 से 5 कंफर्मेशन हो हमको किसी भी स्टॉक में एंट्री करने के लिए। फाइनली यहां पर अगर आप एंट्री करना चाहते हैं इंट्राडे में, तो 591 के ऊपर आप यहां पर एंट्री बना सकते हैं। 600 का टारगेट यहां पर हम मंडे को अचीव होते हुए देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टीसीएस। देखिए टीसीएस ने ब्रेकआउट यहां पर दे दिया है। तो फाइनली देखिए अब जो यहां पर कैंडल बनी हुई है, कैंडल ध्यान से देखिए, कैंडल यहां पर जो है इनसाइड कैंडल बनी हुई है। तो यहां पर अब हम जो है 2925 रुपए के ऊपर इंट्राडे में हम यहां पर बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज पोजिशनल के लिए आपको यहां पर थोड़ा सा वेट करना है। इस डोजी कैंडल के ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद हम वहां पर एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ने भी देखिए ये जो लेवल था सपोर्ट लेवल 165 का, फाइनली यहीं से देखिए इसने बाउंस बैक कर दिया। और बाउंस बैक करने के बाद देखिए 2 दिनों से कंटिन्यू ऊपर की तरफ है। अभी ऊपर से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है इसको ब्रेकआउट होने दीजिए, अदरवाइज यहां पर 185 के ऊपर की क्लोजिंग आने दीजिए, तब हम यहां पर पोजिशनल के लिए सोच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाटा स्टील। तो टाटा स्टील में अभी फिलहाल मेरा कोई व्यू नहीं है। नेक्स्ट है हमारा देखिए टेक महिंद्रा। तो टेक एम देखिए अब हमको 960 रुपए के ऊपर एक अच्छा यहां पर दिख रहा है। 960 रुपए के ऊपर अगर निकलता है तो इसमें इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं 970, 980 और 1,000 रुपए के टारगेट के लिए। अगर आप पोजिशनल इसमें जाना चाहते हैं तो देखिए पोजिशनल ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल चुका है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए 490 या 500 के आसपास से कंटिन्यू चलता हुआ यहां पर स्टॉक डबल हो चुका है। सो यहां पर पोजिशन अगर आप बनाते भी हैं तो यहां पर देखिए कोई बहुत बड़ा टारगेट यहां पर मिलने वाला भी नहीं है। मे बी अगर 960 के ऊपर लेना चाहते हैं तो 1,000 रुपए और 1,100 रुपए का टारगेट यहां पर हम देख सकते हैं पोजिशनल के लिए। नेक्स्ट है टाइटन। देखिए टाइटन सबसे जबरदस्त स्टॉक यहां देखिए कंटिन्यू एक असेंडिंग चैनल में देखिए कंटिन्यू चलता आ रहा है। अब देखिए इसकी 800 रुपए से कंटिन्यू ये चला है, 800 रुपए से कंटिन्यू देखिए हम कहां तक आ गए हैं, 1,500 रुपए तक आ गए। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो यहां पर हमारा स्टॉक डबल हो चुका है। हमने देखिए टाइटन में जो एंट्री बनाई थी वो यहां पर 1,208 रुपए के आसपास यहां पर एंट्री बनाई थी। देखिए इस एंट्री के पीछे हमारा लॉजिक क्या था, इस एंट्री के पीछे हमारा लॉजिक था देखिए ये कंटिन्यू बाउंस बैक हो रहा था इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन के आसपास से। देखिए 2 ट्रेंड लाइन यहां पर बनती है, एक ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन बनती है, एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन बनती है जब हम असेंडिंग चैनल पैटर्न को हम ड्रॉ करते हैं। तो जब भी अपर ट्रेंड लाइन को टच करता है तो नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ कहां तक आता है, जो हमने नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी होती है। सो फाइनली हमको इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये मिल गया था, और यहां पर जब 1,200 का लेवल क्रॉस करके ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दी थी, हमने यहां पर एंट्री बना ली थी। देखिए हमारा स्टॉप लॉस कितना छोटा सा था, 1,208 से हमने यहां पर एंट्री ली थी और 1,150 के आसपास हमने यहां पर स्टॉप लॉस रखा था, मीन्स 58 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा था। अब देखिए 1,200 से यहां पर से चल के 1,500 के पास जा चुका है, तो देखिए 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और यहां पर 300 पॉइंट का टारगेट, ठीक है 1:6 यहां पर हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। और यहां पर अभी भी मेरे को ये बुलिश दिखाई दे रहा है, अगर ये 1,530 रुपए के ऊपर निकलकर ट्रेडिंग करना फिर चालू करता है तो अगेन हम यहां पर 1,600 का टारगेट बहुत जल्दी देखने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा यूपीएल। तो यूपीएल भी देखिए जैसा मैं कंटिन्यू आप लोगों को बता रहा हूं कि ये ट्रेंड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएल के लिए। इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही मैंने बताया था कि ये जब चौथी बार आया था, देखिए फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, मेरे फोर्थ टाइम मैंने बताया था कि यहां से बाउंस बैक होने के पूरे पूरे चांस है। अगर अदरवाइज अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होता है तो हम यूपीएल में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देख सकते हैं। फाइनली देखिए यहां से बाउंस बैक हो गया, अब हमारे लिए देखिए 465 रुपए इसके एक हर्डल बना हुआ है, 465 रुपए के ऊपर निकलता है तो हम यहां पर 490 और 500 का लेवल बहुत जल्दी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्राटेक। तो अल्ट्राटेक देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में काम कर रहा है, ऊपर के लिए जो ट्रेंड लाइन इसके लिए ड्रॉ मैंने करके रखी हुई है रेड कलर की, जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करे, देखिए अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है कि देखिए हम इसमें न्यूट्रल होते हैं, या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हम बायर बन जाएंगे, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा तो हम यहां पर सेलर बन जाएंगे। बस अब हम यहां पर वेट कर रहे हैं कि किस तरफ ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के बाद हम यहां पर एंट्री ले लेंगे। ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो हम यहां पर बायर बनेंगे, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा तो हम यहां पर जो है फ्यूचर में हम इसको सेल कर देंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं विप्रो में। तो विप्रो में एक जबरदस्त यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है और यहां पर कैंडल भी जो देखने को मिल रही है बहुत जबरदस्त, बहुत औसम कैंडल देखने को मिल रही है। और फाइनली यहां पर हम वॉल्यूम को अगर देखेंगे तो वॉल्यूम ने यहां पर पूरा सपोर्ट किया हुआ है इस विप्रो के स्टॉक को। तो अब यहां पर अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो देखिए 388 के ऊपर यहां पर एंट्री ले सकते हैं, और मे बी अगर आपको ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे और रीटेस्ट होता हुआ
दिखाई दे 370 के आसपास, तो यहां पर एक परफेक्ट एंट्री रहेगी आपको यहां पर जो है ट्रेड में एंटर करने के लिए। सो इंट्राडे ट्रेडर के लिए मैं बता रहा हूं, 388 रुपए के ऊपर आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं 392, 395 और 400 रुपीज के टारगेट के लिए। मे बी यहां पर मंडे के सेशन में एक जबरदस्त बूम आ सकता है। देखिए, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं देखिए वीकेंड पे मैं हमेशा पोजिशन स्टॉक डालता रहता हूं, कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट होने वाला है या कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट हो चुका है, कहां से हम एंट्री ले सकते हैं, वो सारे स्टॉक में वहां पर मेंशन करते रहता हूं। और नेक्स्ट वीक में उन सभी चार्ट को अपडेट करता हूं कि इन सब चार्ट में क्या हुआ, जो चार्ट मैंने पिछले वीक पर दिए थे आप लोगों को बाइंग करने के लिए उसमें कितनी मूवमेंट हुई वो सारे मैं अपडेट करता हूं। प्लस मैं वहां पर इंट्राडे में बैंक निफ्टी के चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, क्योंकि मैं इंट्राडे में बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करता हूं। सो वहां पर आप लोगों को मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड में आप लोगों को वहां पर देता हूं, वहां पर मैं सारे चार्ट पोस्ट करता हूं, सारे ब्रेकआउट बताता हूं, सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताता हूं। सो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाकर वहां से ज्वाइन करिए। चलिए, अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एलआईएस ब्लू में एंजल ब्रोकिंग में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप में ऐड किया जाएगा। सो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा कोई बात नहीं, ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।